कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर अब भारतीय जनता पार्टी का रंग धीरे धीरे गहराने लगा है। जहां एक तरफ पार्टी में सिंधिया की पैठ बढ़ रही है, वहीं दूसरी ओर सिंधिया ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से नजदीकियां बढ़ानी शुरू कर दी हैं। लगभग 5 महीने पहले कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ली। सिंधिया के साथ 22 तत्कालीन विधायकों ने कांग्रेस को छोड़ा, कमलनाथ सरकार गिर गई। सिंधिया भाजपा की ओर से राज्यसभा में निर्वाचित भी हो चुके हैं और उनकी पार्टी के भीतर सक्रियता बढ़ गई है। ग्वालियर में भाजपा के 3 दिवसीय सदस्यता अभियान में सिंधिया ने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। ग्वालियर चंबल संभाग के 76,000 से ज्यादा कांग्रेस से जुड़े कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिलाई। सिंधिया पर कांग्रेस की ओर से किए जाने वाले किसी भी हमले के बचाव में पूरी भाजपा उनके साथ खड़ी है। यही कारण है कांग्रेस सिंधिया और उनके साथ पार्टी छोड़कर गए लोगों को गद्दार कह रही है, तो भाजपा उनके बचाव में खड़ी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सिंधिया का बचाव करते हुए साफ तौर पर कह दिया है, कांग्रेस में सच बोलने वालों की कोई कीमत नहीं है, वहां तो तलवे चाटने वालों को वफादार कहा जाता है। एक तरफ जहां भाजपा का संगठन और राज्य सरकार सिंधिया के साथ है, वहीं सिंधिया ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS से नजदीकियां बढ़ानी शुरू कर दी है। इसी क्रम में सिंधिया बीते रोज नागपुर पहुंचे और उन्होंने सरसंघ संचालक डॉक्टर मोहन भागवत से मुलाकात की। इस मुलाकात को आगामी सियासी रणनीतिक तौर पर भाजपा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण मारा जा रहा है। संघ के पदाधिकारी का कहना है, सिंधिया परिवार से संघ का पुराना नाता है, ज्योतिरादित्य सिंधिया उसी परिवार से हैं। सिंधिया भले ही कांग्रेस में रहे हों, मगर उन्होंने संघ के मुद्दों का खुलकर समर्थन किया, इसलिए सिंधिया का संघ कार्यालय जाना, संघ प्रमुख से मिलना कोई बड़ी बात नहीं है। वहीं इस बारे में कई पत्रकारों का कहना है, सिंधिया का संघ कार्यालय जाना, संघ प्रमुख से मिलना दीर्घकालीन रणनीति का हिस्सा है। संघ भाजपा का विचार प्रमुख है, वहीं उनका एक सिरा महाराष्ट्र से जुड़ा है। सिंधिया भी मराठा राज परिवार से नाता रखते हैं। आपको बता दें, फिलहाल ज्योतिरादित्य सिंधिया पर कांग्रेस करती है वार और उनका बचाव करने के लिए पूरी भारतीय जनता पार्टी एक साथ खड़ी है। SPN9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।